नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों से। हो रही के जालौन में अराजक तत्वों के द्वारा फर्जी कमेटी बनाकर वक्फ बोर्ड के हो रहे कार्यों में करने का मामला, राजनीतिक तत्वों पर कार्रवाई की मांग को लेकर कौंच कस्बे के दर्जनों मुस्लिम समाज के लोगों ने आज मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन भेंट कर न्याय की गुहार लगाते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई। आज मंगलवार को हाजी मोहम्मद अहमद के नेतृत्व में भाजपा नगर अध्यक्ष कौंच सुनील लोहिया, मुशब्बर अली, शोबी मंसूरी, शादिक मंसूरी, अमन वैक, मुश्ताक मंसूरी, कमरुद्दीन मंसूरी, आरिफ मंसूरी, हाजी मुन्ना महते, हाजी रहमत, इलाही कुरेशी आदि ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन भेंट कर बताया कि कौंच कस्बे के तकिया कलंदर शाह दरगाह पर 25 वर्ष से बशियतन सज्जादा नशीन एवं सुन्नी वक्फ ने नियुक्त किए गए जिसके प्रबंधक मुतवल्ली के पद पर कार्यरत हैं तथा गुरुद्वारा स्थापित 9 नवंबर के शिष्य हैं। इसके पूर्व और अन्य धर्मगुरुओं ने शिष्य बनाए हैं। उसी परंपरा के तहत प्रार्थी ने अपने गुरु के द्वारा बनाए गए शिष्य हैं। कौंच कस्बे से आए मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कुछ अराजक तत्वों के द्वारा एक 5 सदस्यीय फर्जी कमेटी बनाकर अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। इस संबंध में जिलाधिकारी सौंपे ज्ञापन में यह भी बताया कि जो कमेटी का सचिव है वह औरैया निवासी और आपराधिक किस्म का व्यक्ति है जिसके ऊपर आधा दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। मुस्लिम समाज के गणमान्य लोगों ने डीएम को ज्ञापन देकर आपराधिक तत्वों के खिलाफ जांच कर कार्रवाई की मांग उठाई। न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के लिए गोविंद दाऊ की रिपोर्ट। दिल्ली में रहकर बापू से संबोधन कर सभी कमेटी के आधार संपूर्ण नागरिकों की ओर से कहाँ से आए जी? कौन से आए? कहाँ पर? कहाँ जिलाधिकारी महोदय से मिलने के लिए आए थे हम लोग। क्या समस्या? हमारा समस्या ये है कि ये दरगाह जो है सैकड़ों साल पुरानी है और ये निरंगदी है जिसे आप लोगों के समाज में नागा कहा जाता है और हमारे यहाँ निरंग जो गद्दी है उसके सज्जादा नसीन हाजी आर्य अरबिया साहब हैं और यही परंपरा चलती आ रही है। कुछ गलत लोग हैं जो अपराधी किस्म के लोग हैं, एक नई कमेटी बना ली है और साठ गांठ करके जैसे भी लाए हों तो अब वो कह रहे हैं कि वो दरगाह हम चलाएंगे और उसमें जो है नशेड़ी भी है और कई ऐसे एलिगेशन है जो समाज में रहने लायक नहीं है। अब अगर ऐसी अच्छी जगहों पर ऐसे अपराधी आदमी काम करेंगे तो समाज का क्या होगा? और हम ये चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच कराई जाए और जो जिसका हक है उसको दिया जाए और कोर्ट में आप लोग भी आके एक बार उस दरगाह पर विजिट करिए। मेरी आपसे विनती है कि आप लोग आएँ, विजिट करें और देखें कि ये सैकड़ों साल की परम्परा कैसे ध्वस्त की जा रही है और कैसे उसको जो है गलत आरोप लगा के हम लोगों को जो है परेशान किया जाए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर खबर की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें।